दुनिया भर में कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ खूबसूरत होते हैं तो कुछ बहुत ही विचित्र और हैरान करने वाले हैं। हम आपको ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं, बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो प्रसिद्ध ये अजीबोगरीब पेड़ों के अंदर इतने रहस्य छुपे हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सातवें नंबर पर है विस्टेरिया। टेरा नाम का यह पेड़ जापान में पाया जाता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पेड़ माना जाता है। पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ होता है। किसी पेड़ पे गुलाबी रंग के फूल होते हैं तो किसी पेड़ पे नीले रंग के। इन फूलों को पूरी तरह से खिलने के लिए लगभग 5 से 15 साल तक लग जाता है। छठवें नंबर पर है ग्रेट सिकुआ। पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा पेड़ है। ये ग्रेट सिकुआ ट्री के नाम से जाना जाता है। देखने में ये किसी दानों की तरह लगने वाला अजीब सा पेड़ अमेरिका में मौजूद है। पेड़ का अनुमानित वजन लगभग 15 लाख पाउंड माना जाता है। करीब 275 फीट लंबा ये पेड़ है। उसके मुताबिक इस पेड़ की उम्र लगभग 2300 से 2700 साल तक बताई जाती है। दो नंबर पर है जबूटी काबा। आमतौर पर पेड़ों की टहनियों पे लगते हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका में ऐसा पेड़ है जिसके फल शाखाओं पे नहीं बल्कि पेड़ों के तनों पर लगते हैं। चित्र और रसल में दिखने वाला इस पेड़ को जबूटी काबा नाम से जाना जाता है। दरअसल यह अंगूर की प्रजाति का एक पेड़ है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दारू बनाने के लिए भी किया जाता है। तीन नंबर पर है बोतल पेड़। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस पेड़ को बोतल पेड़ के नाम से जाना जाता है कि इसकी बनावट बिल्कुल किसी बोतल की तरह होती है। इस पेड़ को जहरीला पेड़ भी माना जाता है। कहते हैं कि पुराने जमाने में शिकार इस पेड़ से निकलने वाले रस को अपने तीर पर लगाकर शिकार किया करते थे। तीसरे नंबर पर है ड्रैगन ब्लड ट्री। यमन के सोकोट्रा द्वीप से एलियन आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। पाए जाने वाले इस पेड़ को ड्रैगन ब्लड ट्री कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें खून की तरह दिखने वाला लाल पदार्थ निकलता है। यह पेड़ अपनी अजीबोगरीब बनावट के लिए दुनिया भर में चर्चित है। छह नंबर पर है पाइन ट्रीज। पोलैंड में ग्रेपाइनों के जंगल में 4000 चीड़ के ऐसे वृक्ष है जो अपनी अद्भुत आकृति की वजह से प्रचलित है। इस जंगल को क्रूट फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट में पाइन के वृक्षों को 1930 में लगाया गया था क्योंकि तो घुमावदार आकृति मनुष्य द्वारा बनाई गई है। कि यह घुमावदार आकृति किस उद्देश्य से दी गई है इसके बारे में किसी को नहीं पता। हालांकि इस जंगल के इन वृक्षों को दुनिया के विचित्र वृक्षों में शामिल कर दिया गया है। पहले नंबर पर है सिल्क कॉटन। कंबोडिया के अंगारकोट में स्थित इस वृक्षों को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। एयरपोर्ट में विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी है। का जंगली क्षेत्र सिल्क कॉटन के वृक्ष के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का द फॉर्म ऑफ बुद्ध मंदिर 12वीं शताब्दी में बना था, ताकि अब तो ये खंडर में बदल चुका है। यहाँ के विशालकाय मंदिरों को इन विशाल वृक्षों ने ढक कर रखा है। मंदिर और वृक्ष का ये अद्भुत मिलन देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।